गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आईपीएल 2021 के वीवो आईपीएल के सीएसके और डीसी के सेकंड मैच में। आई होप कि आपकी जो कल की विनिंग होगी काफ़ी अच्छी गई होगी। हमने जो आपको टीम दी थी वो काफ़ी अच्छी गई थी, हमने जो आपको प्रेडिक्शन बताई थी वो काफ़ी अच्छी गई थी। अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपकी विनिंग काफ़ी अच्छी होगी। स्मॉल लीग में आप क्लीन स्वीप कर गए होंगे, मैंने भी किए, मैं आपको अभी प्रूफ दिखाता हूँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप लोग अभी भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आपको बस टेलीग्राम चैनल पर जाना है और आपको सर्च करना है क्रिक फैंस और आप हमसे जुड़ जाइए। उसके बाद आपको जो भी अपडेट आएगी वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो मैच हो रहा है सीएसके वर्सेस डीसी के बीच में, ये आईपीएल का दूसरा मैच है और फिर ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हो रहा है, जो पेसर्स जहाँ ज़्यादा विकेट्स लेते हैं और पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है और रन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि मैदान काफ़ी छोटा है। तो स्टेडियम जो है वो वानखेड़े का है, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि वो रन ज़्यादा बनते हैं, तो इसके लिए कुछ खास वो है नहीं। वेदर जो है क्लियर रहने वाला है, वहाँ पर कोई बारिश वारिश की टेंशन नहीं है वहाँ पर। प्लेइंग इलेवन की अगर बात कर ले, प्लेइंग इलेवन के साथ आपको बता दें कि मतलब साथ में टॉप फाइव मैच जो मतलब खेले हैं वो लोग, जो जो प्लेयर टॉप फाइव मैच अपना पिछला खेले हैं उनकी लिस्ट उसी के सामने दी गई है। अगर आपको चेक करना हो चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्लेइंग इलेवन के हिसाब से आपको बता दूं कि गायकवाड़ जो है डुप्लेसी के साथ ओपनिंग करेंगे, अंबाती रायडू जो है नंबर तीन पर, नंबर चार पर सुरेश रैना आएंगे क्योंकि वो जो है पिछले साल खेल नहीं थे तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है टॉप फाइव का। और भाई एक बात आपको बताते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ पिछले सीजन में जो है लास्ट के जो तीन इनिंग्स है वो 60+ बनाए थे, तो काफ़ी अच्छे रहेंगे वाइस कैप्टन के लिए अगर आप खिलाते हैं उनको तो। और बात करते हैं फाफ डुप्लेसी की, तो आप इनको कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन आपको एक रिकॉर्ड बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छा है दिल्ली का है, जो आपको काफ़ी काम आएगा कि आप स्मॉल लीग आराम से यहाँ से जीत सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आगे तक देखिएगा। तो आगे आपको बढ़ते हैं, तो सुरेश रैना के साथ पीछे आएंगे एम एस धोनी, उसके बाद सैम करनर, रविंद्र जडेजा और डीजी ब्रावो या लुंगी एंगड़ी कोई भी खेल सकता है। हो सकता है कि पहला मैच जो है लुंगी एंगड़ी ना खेले, जैसे कि मुंबई में क्विंटन डिकॉक की जगह आज खेले थे क्रिस लिन, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, इमरान ताहिर या मोइन अली कोई भी खेल सकता है। मेरे चांस लगते हैं कि इमरान ताहिर खेलेंगे ज़्यादातर क्योंकि लेग स्पिनर जो काफ़ी हैवी रहता है वहाँ पर। और लास्ट में आते हैं दीपक चहर। और डीसी की प्लेइंग इलेवन की बात करते थे टॉप फाइव मैच के साथ, मैं आपको बता देता हूँ। शिखर धवन जो है पृथ्वी शॉ के साथ ओपनिंग करेंगे, वन डाउन आपको अजिंक्य रहाणे दिखाई पड़ जाएंगे, चौथे नंबर पर ऋषभ पंत, पाँचवें पे सिमरन हेटमायर, छठे पे जो है आपको स्टॉनिक दिखाई पड़ जाएंगे। अगर दिल्ली वाले चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, शिखर धवन के साथ मार्कस स्टॉनिक ओपनिंग कर सकते हैं, तो बीच में जो है यहाँ पर स्मिथ जो है आ सकते हैं वन डाउन में, और फोर नंबर पर ऋषभ पंत जैसे रहते रहेंगे। और यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं, शिखर धवन ने 23 इनिंग खेली है डीसी वर्सेस सीएसके के खिलाफ, मतलब शिखर धवन ने जो है सीएसके के खिलाफ जो इनिंग खेली है उनमें 777 रन बनाए 23 इनिंग में, जिनका एवरेज जो है 40 का है, और वो काफ़ी अच्छे पिक बन सकते हैं आपके लिए कैप्टन चॉइस के। मैं अपनी टीम में इनको कैप्टन चॉइस आज की टीम में रखने वाला हूँ, तो आप भी रख सकते हैं इनको, कोई भी डाउट नहीं। आप चाहे तो डुप्लेसी के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं को कैप्टन बनाऊंगा आज की टीम में। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं सिमरन हेटमायर और मार्कस स्टोइनिस जो है लास्ट के दो इनिंग काफ़ी अच्छे खेले थे इन लोगों ने, ऋषभ पंत भी लास्ट के एक इनिंग अच्छे खेले थे, उसके बाद चले नहीं हैं तब से। नीचे बात कर ले अश्विन और रबाडा की, तो रबाडा, अश्विन और नौकिया ये तीनों मेन बॉलर हैं इस टीम के, और ये टीम जो है सबसे ज़्यादा मजबूत डेथ ओवर में दिखाई पड़ती है। इनका जो है इकनॉमी रेट डेथ ओवर का बहुत ज़्यादा, लेकिन विकेट्स जो है ये सबसे ज़्यादा लेते हैं डेथ ओवर में। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में आपको क्या मिलता है, लास्ट 3 ईयर में जो हुआ है वो 7 मैच इन दोनों के खिलाफ हुआ है आमने सामने, जब ये दोनों पड़े, जिसमें सीएसके 4 जीती है और डीसी 3 जीती है, तो इसमें भी सीएसके का पलड़ा भारी रहा है। उसके बाद आगे बात करते हैं लास्ट के 5 मैच की, तो लास्ट के 5 मैच में दिल्ली का जो है, दिल्ली जो है यहाँ पर लूज विन मतलब हार जीत के साथ आगे गई है, लेकिन सीएसके जो है लास्ट के 5 मैच के लास्ट के 3 मैच जो है एकदम लास्ट के थी, जो मतलब 13 14 मतलब 11 12 13 ऐसे कुछ था, वो जो है उनका विनिंग गया था क्योंकि तीनों मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 60+ रन स्कोर किया था जो कि काफ़ी अच्छा था,
और ये अच्छे से जीते थे। उसके बाद स्टेडियम की अगर डिटेल की बात कर लें तो स्टेडियम जो है वह बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वानखेड़े स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, वहाँ पर हाई स्कोर रन बनते हैं, ग्राउंड छोटा है। तो यहाँ का फर्स्ट बैटिंग जो एवरेज है वो 164 का है और फर्स्ट बैटिंग विनिंग चांस जो है यहाँ पर 35% है। इसका मतलब आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो है चेस करने वाली टीम ही ज़्यादातर जीतती है। इसका वो है कि 70% जो है चेस करने वाली टीम 65% जो है जीत रही है। और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर जो चॉइस हुआ है वो 228 का है और यहीं पर चेस हुआ है। अब बात कर ले हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में हम डेथ बॉलर की बात करेंगे, एक दिल्ली की तरफ से और एक चेन्नई की तरफ से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉलर की, रबाडा की, जो कि डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं दिल्ली की तरफ से। तो रबाडा ने जब डुप्लेसी को बॉल की है तो डुप्लेसी ने जो है 28 बॉलें खेली, 31 रन बनाए हैं और 3 विकेट दिए हैं। स्ट्राइक रेट इनका 100 से ऊपर का है, नॉर्मल स्ट्राइक रेट है, कुछ खास नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि बॉलर जो आपको 25 पॉइंट देता है, बैट्समैन जो है हर रन पे पॉइंट देता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा जानकारी के लिए। और बताते हैं अम्बाती रायडू जो है 6 बॉलें खेली हैं, 9 रन बनाए हैं, विकेट तो नहीं दिया लेकिन स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया है। ज़्यादा बॉलें खेली नहीं है रबाडा के साथ क्योंकि अम्बाती रायडू भी मौका नहीं पा रहे थे। नंबर 4 पर बात करें सुरेश रैना जो है 11 बॉलें खेली है और 19 रन बनाए, इनका भी विकेट अभी रबाडा नहीं ले पाए हैं। और नंबर 5 पर एम एस धोनी आते हैं, तो एम एस धोनी को 7 बॉलें खिला के 1 विकेट ले ली है और स्ट्राइक रेट काफ़ी बेकार है एकदम एम एस धोनी का रबाडा के खिलाफ। तो इससे पता चलता है कि डेथ ओवर में जब एम एस धोनी उतरते हैं लास्ट ओवर में तो रबाडा को अपनी विकेट दे देते हैं। तो रबाडा इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आगे में चलकर, बताता हूँ कैसे। उसके बाद बात आती है रविंद्र जडेजा की, जडेजा जब आते हैं तो 10 बॉल खेली, 19 रन बनाए, 1 विकेट इन्होंने भी दिया है, लेकिन इन्होंने इनको हिट किया है काफ़ी अच्छे से, ये इनके बॉल को खेल सकते हैं लास्ट के डेथ ओवर में। तो ये आपके लिए अच्छी पिक होंगे, आप चाहे तो इनको ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि टीम में कैसे क्या लेना है और क्या छोड़ना है। उसके बाद अगर रॉबिन थप्पा खेलते हैं तो रॉबिन थप्पा ने 20 बॉलें खेली हैं, 25 रन बनाए, 1 विकेट दिया है। तो रॉबिन थप्पा के चांसेस कम ही लगते हैं, 50-50 चांस लगते हैं कि वो ओपनिंग करने पाएंगे या फिर स्क्वाड में जगह बनाने के लिए पाएंगे। अब बात करते हैं आगे की चलकर, तो आगे की चलकर आपको बता देते हैं कि दीपक चहर जो है CSK की टीम के डेथ ओवर के गेंदबाज है। सो ओपनिंग के 2 ओवर करते हैं और लास्ट के डेथ ओवर, और वो पिछले साल भी हमने देखने को मिला था। तो आपको बता दें कि पृथ्वी शाह जो है CSK के इस गेंदबाज से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। लास्ट के जब इन्होंने 39 बॉलिंग को खेली है, 38 रन दिया और 5 विकेट इनका लिए, 5 में से 4 बार ये तो बोल्ड हुए हैं दीपक चहर के खिलाफ। तो आप स्मॉल लीग में इनको रिस्क पर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई ज़रूरत नहीं रिस्क लेने की। आप शिखर धवन को ले सकते हैं, साथ में अजिंक्य रहाणे भी आपके लिए कुछ बेटर नहीं होंगे, क्योंकि शिखर धवन जो है 52 बॉलें खेली हैं, 47 रन बनाए, 1 विकेट, जो दीपक चहर के खिलाफ DC की जो टॉप 3 या टॉप 4 के जो खिलाड़ी हैं वो इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 के पास किया है बस। उसके बाद ऋषभ पंत की बात करते हैं, ऋषभ पंत जब आए हैं तो 9 बॉलें खेली हैं, 14 रन दिए और 1 विकेट ही लिया है। तो इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है, टॉप 5 के जो भी प्लेयर्स आते हैं वो दीपक चहर के खिलाफ काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो आपको दीपक चहर को इम्पोर्टेंस देनी होगी, भले ही शार्दुल ठाकुर जो है वहाँ पर इंडिया में खेल कर आए हैं और अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन आपके लिए दीपक चहर मेन बॉलर होंगे डेथ ओवर के लिए। शार्दुल ठाकुर आपके लिए डेथ ओवर तो कराएंगे ही कराएंगे, आपको दोनों को लेके चलना है, शार्दुल ठाकुर दीपक चहर, और दोनों जो है पावर हिटर भी हैं, लास्ट के ओवर में अगर बॉल मिल जाती है खेलने के लिए तो 1-2 चौका मार भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दीपक चहर के बारे में कुछ जो कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अब यार बात कर लेते हैं शिखर धवन की, शिखर धवन ने जो है 23 इनिंग खेली जो 777 रन CSK के खिलाफ बनाए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपको क्या करना है कि शिखर धवन को, दीपक चहर को और शार्दुल ठाकुर को, ये 3 प्लेयर जो हैं मेन हैं, आपको लेके ही चलना है, और साथ में आपको डुप्लेसी को लेके चलना है। उसके बाद बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम के बारे में, तो वानखेड़े स्टेडियम में एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि यहाँ पर पेसर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, काफ़ी ज़्यादा विकेट मिलती है,
मुकाबले अगर बात करें स्पिनर के, तो पेसर जो है 139 विकेट चटका चुके हैं अभी तक, और स्पिनर जो है 45 विकेट चटका चुके हैं। इसलिए आपको पेसर ज़्यादा रखने, सेकेंड इनिंग के लिए आप एक आध स्पिनर, वो भी लेग स्पिनर रख सकते हैं, जैसे इमरान ताहिर हो गए। इमरान ताहिर मेन होंगे अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं, कैसे कल राहुल चहर कर रहे थे। तो ये सब आपको बहुत ध्यान देना है। तो आपको बता देते हैं, अमित मिश्रा ने जो है रॉबिन थप्पा और सुरेश रैना को 4 बार जो है आउट किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना, अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग दिल्ली की आती है तो आप अमित मिश्रा को ले सकते हैं, एक अलग की पिक होंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि आपको जो है डेथ ओवर में गेंदबाजी वाले जो भी बॉलर्स होते हैं, जिसे दिल्ली की तरफ से नोकिया रबाड़ा हो जाएंगे, और सीएसके की तरफ से डीजे ब्रावो, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर, इनमें से कम 3 में से 2 पिक लेके चलनी है, क्योंकि आपको डेथ ओवर में अगर विकेट मिलेंगे तो यही आपके पॉइंट्स बढ़ाएंगे और आप जो है अपनी लीग में टॉप कर जाओगे। और ये अगर 2 से 4 मेंबर्स की लीग खेलते हो तो आप इजीली टॉप कर सकते हो इसमें। और अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट वहीं पर मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आप टीम के बारे में। ये रही अपनी पहली टीम जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी। अगर स्टीव स्मिथ खेलते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक होंगे, जो है विकेट को संभाल के रखते हैं, रोक के रखते हैं। तो इसमें मैंने जो है फिलहाल के लिए जनता के हिसाब से डुप्लेसी को कप्तान बनाया, वाइस कप्तान बनाया शिखर धवन को। लेकिन जो है एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए सीएसके के खिलाफ डीसी में जो शिखर धवन है उन्होंने 777 रन मारे हैं और 40 का एवरेज है, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, कैप्टन शिखर धवन को बना सकते हैं, वाइस कैप्टन जो है आप जो है डुप्लेसी को बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मिथ की। तो स्मिथ का जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन आपको लेके चलना है क्योंकि ये विकेट को जो के रोकते हैं। और यहाँ पर चाहे तो आप डीजे ब्रावो की जगह, यहाँ डीजे ब्रावो की जगह दीपक चहर ले सकते हैं। कम से कम आपको दीपक चहर और डीजे ब्रावो और शार्दुल ठाकुर में से 3 में से 2 को लेके चलना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो अम्बती रायडू की जगह आप सुरेश रैना लेके चल सकते हैं। सुरेश रैना आपके लिए अच्छी पिक हो सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है 1 डाउन आए और 2 डाउन अम्बती रायडू है, इसमें से जो भी 2 डाउन या 1 डाउन आएगा उसको आपको लेके ही चलना है। बात करते हैं सेकंड टीम की। तो आपको सेकंड टीम जो है मैंने ऐसे ही बनाई है और थोड़ा सा हटके भी है। सेकंड टीम जो है ये वाली है, और इसमें क्या है आपको शिखर धवन को जो है मैंने कप्तान बना दिया है, वाइस कैप्टन बना दिया है कैलिस रबाड़ा को। इसमें फ़र्क क्या है कि शिखर धवन जो है 40 का इनका एवरेज है सीएसके के खिलाफ, और ये जो है रबाड़ा को डेथ ओवर में आपको आराम से 1 से 2 विकेट दे देंगे, तो आपके 50 पॉइंट यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। अगर शिखर धवन अपने एवरेज से सही चलते हैं तो आपको 40 पॉइंट तो एकदम फिक्स दिला देंगे। उसके बाद बात करें पृथ्वी शाह की, तो इस पर मैंने रिस्क लिया क्योंकि शिखर धवन को कैप्टन बनाने के साथ पृथ्वी शाह पर रिस्क लिया है। 4 मेंबर लीग में आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। मैंने गायकवाड़ को छोड़ दिया है, और इसमें जो है डुप्लेसी, रैना और रायडू को लिया है, क्योंकि ये जो है मिडिल ऑर्डर इनके संभालेंगे, और नंबर 4 तक आपको बल्लेबाजी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहें तो ऋषभ पंत की जगह एमएस धोनी ले सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। एमएस धोनी जो है 5 या 6 पर बैटिंग करने आते हैं, और ऋषभ पंत जो है नंबर 4 पर बैटिंग करने आ जाएंगे। ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको बताई थी। आप चाहे डीजे ब्रावो और दीपक चहर को ले सकते हैं शार्दुल ठाकुर की जगह, लेकिन नोकिया रबाड़ा को आपको नहीं छोड़ सकते। हाँ, एक बात है, अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करती है तो आप नोकिया को छोड़ सकते हैं, नोकिया की जगह आप दीपक चहर को ले सकते हैं, और या चाहे तो आप अमित मिश्रा को नोकिया की जगह ले सकते हैं। रबाड़ा को आपको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में। तो ये स्मॉल लीग की टीम में आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। अब ग्रैंड लीग की टीम मैंने क्या किया है, ग्रैंड लीग की टीम में दीपक चहर को मैंने कैप्टन बना दिया। दिल्ली की तरफ से मैंने जो है शिखर धवन को ही लिया है, एवरेज के हिसाब से उनके देखा जाए। हेटमेयर अभी ज़्यादा जिसके खिलाफ खेले नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक हो सकते हैं। और ऋषभ पंत जो है अपने कप्तान बन चुके हैं, नए तो हिटिंग के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको हिट करने के लिए मिल जाएंगे। सैम करन को मैंने लिया है, सैम करन और दीपक चहर जो है ओपनिंग ओवर कराएंगे, और इसी में अगर इनके 1-2 विकेट निकाल दिए तो दीपक चहर और सैम करन काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे आपके लिए। नोकिया को मैंने इसलिए लिया कि सेकंड बॉलिंग में वो काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं, उनकी पास पेस काफ़ी ज़्यादा है, और मुंबई में पेस
काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। स्टोनिस को लिया है मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए, गायकवाड़ रैना और राइडू को इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों जो है इंडियन है और इनको चांसेस ज़्यादा हैं खेलने के लिए। डुप्लेसी को हटा दिया इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो भी क्वारंटाइन से अभी आए ना हो और इसीलिए मौका ना पाए खेलने के लिए। डीजे ब्रावो डेथ ओवर में आपको काम आ जाएंगे। डीजे की जगह आप शार्दुल ठाकुर ले सकते हैं या फिर नोकिया की जगह आप अमित मिश्रा ले सकते हैं, क्योंकि अमित मिश्रा जो है सेकेंड इनिंग में काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। स्टोनिस को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सिमरन हेटमायर जो है फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छा खेलते हैं स्टोनिस के मुकाबले, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग की सबसे अच्छी पिक हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप अगर चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए हमसे बात करने के लिए, आपको नई अपडेट वहीं पर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।